हेलो फ्रेंड्स, जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आरडी चौधरी और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ के मेमोरी बेस्ड नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के पेपर के बारे में, जो अभी रिसेंटली 2 मार्च 2020 को हुआ था। इसकी आंसर की विथ एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसका पार्ट वन और पार्ट टू पहले बना चुके हैं और ये पार्ट थ्री है। यदि आपने इस वीडियो का पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके पार्ट वन और पार्ट टू देख सकते हैं। पार्ट वन और पार्ट टू के आगे के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो भी नई वीडियोज है उनका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। ए क्लाइंट जस्ट कंप्लीटेड ए कोर्स इन रेडिएशन थेरेपी एंड इज एक्सपीरियंसिंग रेडियो डर्मेटाइटिस द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ ट्रीटिंग द स्किन टू। एक क्लाइंट है जो जस्ट अभी रेडिएशन थेरेपी चल रही है और उस क्लाइंट को रेडियो डर्मेटाइटिस हो गया है, तो उस कंडीशन के अंदर सबसे इफेक्टिव मेथड क्या होगा इस स्किन का जो रिएक्शन हुआ है उसको ट्रीट करने के लिए। ऑप्शन ए, अप्लाई ए क्रीम और लोशन टू द एरिया। ऑप्शन बी, लीव द स्किन अलोन अंटिल इट्स क्लीन। ऑप्शन सी, अवॉइड अप्लाइंग क्रीम और लोशन टू द एरिया। ऑप्शन डी, वॉश द एरिया विद सोप एंड वार्म वाटर। इसका रेशनल देखते हैं। आफ्टर रेडिएशन थेरेपी स्किन के, यदि किसी पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी चल रही है उसके बाद या ड्यूरिंग रेडिएशन थेरेपी उसको रेडियो डर्मेटाइटिस हो जाता है, तो उसके लिए स्किन की केयर कौन कौन सी करेंगे। कीप स्किन इज ट्रीटेड एरिया ड्राई, स्किन को बिल्कुल ड्राई रखेंगे उस एरिया को। जेंटली वॉश स्किन डेली विद वार्म वाटर एंड माइल्ड सोप। माइल्ड सोप यूज करेंगे और वार्म वाटर यूज करेंगे उसको डेली क्लीन करने के लिए। डू नॉट यूज एनी लोशंस, क्रीम, परफ्यूम्स, पाउडर्स, कॉस्मेटिक्स, टेप और डिओड्रेंट ऑन स्किन वेयर योर रेडिएशन इज गिवन। जहां पर रेडिएशन थेरेपी यूज हो रही है, जहां पर रेडियो थेरेपी दी जा रही है, वहां पे लोशन, क्रीम, परफ्यूम, पाउडर, कॉस्मेटिक, डियो, टेप, ये सब चीजें है वो बिल्कुल अवॉइड करनी है। डू नॉट रब और मसाज द ट्रीटेड एरिया, जहां पे रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है वहां पे उस एरिया को ना तो मसाज करना है और ना ही वहां पे रबिंग करनी है। वियर लूज कॉटन फाइबर क्लोथिंग टू रिड्यूस इरिटेशन, और लूज कपड़े पहनने और कॉटन फाइबर के कपड़े पहनने जिससे वहां की जो स्किन है वहां पे इरिटेशन ना हो। यू मे यूज एन इलेक्ट्रिक रेजर फॉर सेविंग हेयर इन ट्रीटेड एरिया, जिस एरिया पे अपन रेडिएशन लगा रहे उस एरिया पे अपने को इलेक्ट्रिक रेजर यूज करना है, ना कि ब्लेड यूज करना है। मेन शुड नॉट यूज आफ्टर सेव इफ रिसीविंग रेडिएशन टू हेड एंड नेक एरिया, जहां पे हेड और नेक एरिया में यदि रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है और वो मेन है, तो उस कंडीशन में उसको आफ्टर सेविंग क्रीम या फिर आफ्टर सेव लोशन यूज नहीं करना है, क्योंकि वो स्किन को वहां पे इरिटेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अवॉइड डायरेक्ट सन एक्सपोजर टू द ट्रीट एरिया, जो ट्रीटेड एरिया है जहां पे रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है उसको डायरेक्ट सन एक्सपोजर में नहीं लेंगे, क्योंकि वो भी इरिटेट करेगी। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, यानी अवॉइड अप्लाइंग क्रीम और लोशन टू द एरिया, क्योंकि इसके अंदर बताया जा रहा है कि कोई भी क्रीम, लोशन और जो परफ्यूम, डियो, ये सब चीजें बिल्कुल यूज नहीं करनी है। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट कुड बी द सीन एन इल्डरली पेशेंट फॉर डिजिटलिस्ट टॉक्सिसिटी, एक डिजिटलिस की टॉक्सिसिटी का इल्डरली पेशेंट है उसके अंदर कौन से साइन या सिम्टम उसके अंदर दिखाई देंगे। ऑप्शन ए, ब्लूड विजन। ऑप्शन बी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ऑप्शन सी, साइनोसिस। ऑप्शन डी, रेस्टलेसनेस। इसका रेशनल देखते हैं। देज आर सिम्टम्स ऑफ डिजिटलिस्ट टॉक्सिसिटी, जब भी डिजिटलिस्ट टॉक्सिसिटी होती है तो उस तरह के पेशेंट्स के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स है वो दिखाई देते हैं, उनका डिटेल से डिस्कस करते हैं। कंफ्यूजन दिखाई देता है, इरेगुलर पल्स दिखाई देती है, लॉस ऑफ एपेटाइट दिखाई देती है, नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया देखने को मिलता है, फास्ट हार्ट बीट देखने को मिलती है यानी टेकिकार्डिया देखने को मिलता है, विजन चेंजेस देखने को मिलता है अनयूजुअल इंक्लूडिंग ब्लाइंड स्पॉट। विजन चेंजेस में क्या क्या देखने को मिलेंगे, ब्लाइंड स्पॉट दिखाई देगा किसी में ब्लूरुड विजन दिखाई देगा, किसी में चेंज इन हाउ कलर लुक, किस तरह से कलर दिखाई देते हैं वो थोड़ा सा अलग दिखेगा, और सींग स्पॉट्स दिखाई देंगे। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए,
क्योंकि जब भी डिजिटलिस्ट टॉक्सिसिटी होती है तो उस कंडीशंस के अंदर ब्लू डिवीजन दिखाई देता है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस साइन एक्सेप्ट। इनमें से सभी इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस के साइन है एक्सेप्ट। ऑप्शन ए इनकॉन्टिनेंस, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी पेल्विक पेन और ऑप्शन डी है अर्जेंसी। अब इसका डिटेल से डिस्कस करते हैं। इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस होता क्या है? इज ए क्रोनिक कंडीशन कॉजिंग ब्लैडर प्रेशर। ये एक प्रकार का क्रोनिक कंडीशन है जिसके अंदर ब्लैडर का प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। ब्लैडर का जो प्रेशर होता है वो कॉज होता है ब्लैडर पेन होता है एंड समटाइम्स पेल्विक पेन। ब्लैडर के अंदर भी पेन होगा और कुछ कुछ टाइम ऐसी होगी जिसके अंदर पेल्विक के अंदर भी पेन दिखाई देगा। द पेन रेंज फ्रॉम माइल्ड डिस्कम्फर्ट टू सीवियर पेन। जो इसकी पेन की सीवियरिटी है वो माइल्ड से लेके सीवियरिटी की तरफ जाती है, सीवियर पेन दिखाई भी देता है। द कंडीशन इज ए पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज नाउन एज पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम। इसको अपन पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। अब इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस के साइन एंड सिम्टम देखते हैं जिनके अंदर से अपने को डिफ्रेंशिएट करना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है। तो इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस के साइन और सिम्टम्स है उनको अपन डिटेल से देखते हैं। पेन इन योर पेल्विस और बिटवीन द वेजाइना एंड एनस इन वुमेन। एक वुमेन होगी उसके अंदर वेजाइना और एनस के जो बिटवीन एरिया होगा उसके अंदर या फिर पेल्विक के अंदर पेन दिखाई देगा। पेन बिटवीन स्क्रोटम एंड एनस इन मेन, यानी उसको बोलते हैं पेरिनियम। मेन के अंदर कहाँ दिखाई देगा? जब उसके स्क्रोटम और एनस के बिटवीन जो एरिया होगा उसके अंदर पेन दिखाई देगा। क्रोनिक पेल्विक पेन और क्रोनिक टाइप का पेल्विक पेन दिखाई देगा। ये परसिस्टेंस अर्जेंट नीड टू यूरिनेट, उसको परसिस्टेंट यानी बार बार अर्जेंट नीड टू यूरिनेट होता है, मीन्स अर्जेंसी होती है यूरिन की, अनकंट्रोलेड होता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और बार बार यूरिन आएगा, ऑफ्टन ऑफ स्मॉल अमाउंट, जब थोड़ा थोड़ा अमाउंट में आएगा बल्कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी उसकी। थ्रू आउट द डे एंड नाइट, यानी एक कंप्लीट डे और नाइट यानी 24 आवर्स के अंदर अप टू 60 टाइम्स ए डे, मींस एक दिन के अंदर 60 टाइम्स के अराउंड उसको फ्रीक्वेंसी होगी यूरिनेशन की। तो इसके अंदर ऑप्शन में है इनकॉन्टिनेंस, तो इनकॉन्टिनेंस इसके अंदर नहीं पाया जाएगा, इसके अंदर फ्रीक्वेंट होगा। तो ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी भी होती है, पेल्विक पेन भी होता है और अर्जेंसी भी होती है। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 44। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ नाइन मेजर पार्ट ऑफ बर्न। रूल ऑफ नाइन के अकॉर्डिंग मेजर पार्ट ऑफ बर्न कौन सा होगा इनमें से? ऑप्शन ए ऑन अपर ट्रंक, ऑप्शन बी ऑन फेस एंड नेक, ऑप्शन सी थाई एंड ग्रोइन, ऑप्शन डी अपर एक्सट्रीमिटी। अब इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं रूल ऑफ नाइन कहाँ यूज किया जाता है। तो रूल ऑफ नाइन बर्न के अंदर परसेंटेज ऑफ बर्न एरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है। एक प्रकार से एक फॉर्मूला है जिसके अंदर सबसे बड़ा जो मेजर एरिया होगा वो कौन सा होता है बर्न को एस्टिमेट करने का। इससे इसका रेशियो देखते हैं। ये जो पिक्स दिखाई दे रहा है आपको इसके अंदर ये एक फ्रंट से है और एक बैक से है जिसके अंदर एरिया डिफाइन किया गया है कि किस एरिया को अपन कितना परसेंट बर्न मानते हैं रूल ऑफ नाइन के अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर ऑप्शन ए के अंदर है ऑन अपर ट्रंक, तो अपर ट्रंक कितना होगा? 9%। जो 9% एरिया होगा अपर ट्रंक का जिसको अपन बोलते हैं, तो ये अपर ट्रंक हो गया, ये 9% एरिया है। ऑप्शन बी ऑन फेस एंड नेक, फेस एंड नेक के अंदर कितना होगा? 4.5%, मीन्स 4.5% एरिया होगा जो इसके अंदर ये शो करता है और डिफ्रेंशिएट करता है कि इतना परसेंट बर्न है। ऑप्शन सी है थाई एंड ग्रोइन, थाई एंड ग्रोइन 9 + 9 + 1 यानी 19% एरिया होगा। और ऑप्शन डी में है अपर एक्सट्रीमिटी, अपर एक्सट्रीमिटी 9 + 9 यानी 18% होगा, 18% एरिया होगा इसके अंदर। तो इसके अंदर जो मेजर पार्ट कौन सा होगा? थाई एंड ग्रोइन, तो थाई एंड ग्रोइन वाला एरिया है वो होगा 19%। तो ये मेजर पार्ट है बर्न एरिया का, तो इसके अंदर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी है जो ये शो करता है कि मेजर पार्ट है ब्रेन एरिया का। तो ये रूल ऑफ नाइन के अकॉर्डिंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 45। प्रायोरिटीज ऑफ प्लानिंग इन नर्सिंग प्रोसेस इज डन बाय। प्रायोरिटीज ऑफ प्लानिंग क्या होगी नर्सिंग प्रोसेस के अंदर? ऑप्शन ए मास्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स, ऑप्शन बी स्टेज ऑफ इलनेस मॉडल, ऑप्शन सी इंटरपर्सनल थ्योरी, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। इसका रेशनल देखते। मास्लो थ्योरी क्या है? इसके अंदर प्रायोरिटीज ऑफ प्लानिंग थ्योरी है नर्सिंग प्रोसेस के अंदर।
मास्लो थ्योरी इज प्रेडिक्टेड ऑन ए ब्रेकडाउन ऑफ फाइव बेसिक नीड्स। इसके अंदर फाइव बेसिक नीड्स होती है मास्लो हायरार्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर नंबर वन होती है फिजियोलॉजिकल नीड, इसके अंदर फूड और वाटर आता है। ऑप्शन टू है मिस, सेकेंड नंबर होती है सेफ्टी, और थर्ड नंबर होती है लव एंड बिलोंगिंग, और फोर्थ नंबर होती है स्टीम मीन्स सेल्फ स्टीम, एंड फाइव नंबर होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये मास्लो हायरार्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग बेसिक नीड्स है, जिसके अंदर सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग यदि नर्सिंग प्रोसेस के अंदर देखें तो नर्सिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड क्या होती है, जैसे पेन कंट्रोल करना हो गया। नर्सेज कैन अप्लाई मास्लो थ्योरी टू देयर प्रैक्टिस ऑफ पेशेंट केयर। नर्सेज ने मास्लो थ्योरी को पेशेंट की केयर के अंदर इंक्लूड किया हुआ है, उनको अप्लाई किया हुआ है। इवैल्यूएट पेशेंट कम्युनिकेशन टू डिटरमाइन व्हाट नीड आर नॉट बीइंग मेट, और उसको जब कम्युनिकेशन करते हैं पेशेंट के साथ तो कम्युनिकेशन से उसको इवैल्यूएट करते हैं कि पेशेंट को कौन सी नीड की ज्यादा जरूरत है और क्या नीड उसको नहीं मिल पाई है। तो वहां पे मास्लो हायरार्की की जो थ्योरी है वो अप्लाई की जाती है। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, यानी प्रायोरिटीज ऑफ प्लानिंग इन नर्सिंग प्रोसेस के अंदर मास्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स की थ्योरी यूज की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। द सर्जन हैज शेड्यूल्ड ए पेशेंट फॉर ए लेफ्ट न्यूमेनियेक्टोमी। द पोजिशन दैट विल मोस्ट लाइकली बी ऑर्डरेड पोस्ट ऑपरेटिवली फॉर दिस पेशेंट इज ऑप्शन ए बैक ओनली, ऑप्शन बी बैक और अदर साइड, ऑप्शन सी नॉन ऑपरेटिव साइड एंड बैक, ऑप्शन डी ऑपरेटिव साइड एंड बैक। एक सर्जन है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एक सर्जन है जिसने लेफ्ट न्यूमेनेक्टोमी के लिए एक पेशेंट को शेड्यूल किया गया है, और उसके अंदर आफ्टर लेफ्ट न्यूमेनेक्टोमी कौन सी पोजिशन परफेयर की जाएगी उसको पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट को। तो उसके अंदर सबसे पहले डिस्कस करते हैं, इसका रेशनल देखते हैं। ऑपरेटिव साइड और बैक पोजीशन देंगे उसको। ऑपरेटिव साइड क्यों देंगे, बिकॉज पोजीशनिंग द क्लाइंट ऑन द ऑपरेटिव साइड फैसिलिटेट द एक्युमुलेशन ऑफ सेरोसैंग्विनस फ्लूइड। जो सेरोसैंग्विनस जो फ्लूइड आएगा, जो ब्लड और जो सीरस के साथ में जो फ्लूइड होती है उसको अपन सेरोसैंग्विनस फ्लूइड बोलते हैं। तो उस तरह का जो फ्लूइड होगा वो उस तरह की पोजीशंस देने से, यानी लेफ्ट न्यूमेनेक्टोमी के पेशेंट में लेफ्ट साइड की जो पोजीशन देंगे तो राइट साइड के लंग्स के अंदर वो अकुमुलेट नहीं होगा। द फ्लूइड फॉर्म्स ए सॉलिड मास। जब फ्लूइड होता है वो सॉलिड मास बना लेता है अंदर, विच प्रिवेंट द रिमेनिंग लंग्स फ्रॉम बीइंग ड्रॉ इनटू स्पेस। ये क्या प्रिवेंट करता है इस तरह की पोजीशन से, जो रिमेनिंग लंग है, जो साइड का जो राइट साइड का जो लंग्स बचा हुआ है, उस लंग्स के अंदर क्या होगा, जो स्पेस है उसके अंदर कोई भी फ्लूइड है वो ड्रॉ नहीं होगा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, यानी ऑपरेटिव साइड एंड बैक। ऑपरेटिव साइड और बैक साइड की जो पोजीशंस होगी वो लेफ्ट न्यूमेनेक्टोमी के पेशेंट्स के अंदर पोस्ट ऑपरेटिवली अपन देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। नॉर्मल रेंज ऑफ सीवीपी इज। सेंट्रल वेनस प्रेशर की नॉर्मल रेंज है वो कितनी होगी। ऑप्शन ए 5 to 15 सेमी H2O, ऑप्शन बी 10 to 15 सेमी H2O, ऑप्शन सी 10 to 20 semi H2O, option D 5 to 10 semi H2O. अब इसका रेशनल देखते हैं। The normal CVP is 0 to 10 semi H2O. Normal range कितनी होती है CVP की? 0 से लेके 10 semi H2O के अंदर। PVP, PVP means peripheral venous pressure. CVP means central venous pressure और PVP means peripheral venous pressure would be on average 2 to 3 सेमी H2O हायर। मींस सेंट्रल वेनस प्रेशर से जो पेरिफेरल वेनस प्रेशर होता है वो 2 से 3 सेमी H2O हायर मिलता है एवरेजली। जो वेनस प्रेशर इज मेजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड वॉल्यूम कैपेसिटी। वेनस प्रेशर क्या होता है, वेनस प्रेशर एक तरह से ऐसा प्रेशर है जिसको मेजर किया जाता है या रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की जाती है ब्लड वॉल्यूम और ब्लड वॉल्यूम कैपेसिटी के बीच। Could be measured to help determine the end point for large fluid volume resuscitation. जो large fluid volume resuscitation होती है उसका end point होता है उसको determine किया जाता है। तो इसका correct answer हो गया option D, means 5 to 10 semi H2O. जो normal CVP होगा वो 0 से 10 semi H2O होता है, but according to option 5 to 10 semi H2O is correct answer. अब next question पे चलते हैं। Question number 48. Advantage of drug neomycin use is. नियोमाइसिन ड्रग जब ओरल रूट से यूज करते हैं तो उस कंडीशंस के अंदर नियोमाइसिन ड्रग्स के यूजेज के एडवांटेज क्या है, उस वो किस तरह से यूजफुल है पेशेंट के लिए। ऑप्शन ए इंक्रीज द बैक्टीरिया एंड इंक्रीज पीएच, ऑप्शन बी
decrease the bacteria and increase pH. Option C, kill the bacteria and decrease pH. Option D, decrease the bacteria and decrease pH. अब इसका डिटेल से डिस्कस करते हैं, रेशनल देखते हैं इसका. न्यूमाइसिन बिलोंग टू ए क्लास ऑफ ड्रग नॉन एज अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स. अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक ग्रुप्स की ड्रग्स के अंदर ही न्यूमाइसिन ड्रग्स आती है, उसी क्लास से बिलोंग करती है. इट वर्क्स बाय स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही होती है उनको इनहिबिट करके, उनको स्टॉप करके ये ड्रग्स है वो काम करती है. न्यूमाइसिन में आल्सो बी यूज अलोंग विद स्पेशल डाइट टू ट्रीट ए सर्टेन सीरियस ब्रेन प्रॉब्लम हिपेटिक इनसेफेलोपैथी. जो न्यूमाइसिन ड्रग्स है वो एक स्पेशल डाइट के साथ यूज करने से जो एक सीरियस ब्रेन प्रॉब्लम कौन सी, हिपेटिक इनसेफेलोपैथी को ट्रीट किया जा सकता है इससे. न्यूमाइसिन इज वाटर सोल्यूबल पॉलीबेसिक एंटीबायोटिक्स. एक प्रकार से वाटर सोल्यूबल और पॉलीबेसिक एंटीबायोटिक्स है. रिलेटिवली स्टेबल इन सोल्यूशन ओवर ए रेंज ऑफ पीएच 2 से 9. यानी 2 से लेकर 9 तक की जो पीएच का जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर ये ड्रग्स स्टेबल रह सकती है और एक प्रकार से पॉलीबेसिक एंटीबायोटिक है. इट इज मोस्ट एक्टिव इन एल्कालाइन सॉल्यूशन. बट ये एल्कालाइन सॉल्यूशन के अंदर मोस्टली एक्टिव होती है. वैसे स्टेबल तो 2 से लेकर 9 तक की जो रेंज होती है उसके अंदर स्टेबल रह सकती है ड्रग, बट ये एल्कालाइन सॉल्यूशन के अंदर मोर एक्टिव होती है. एंड इज एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. और ये किसके अगेंस्ट काम करती है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बोथ टाइप्स के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर ये यूज होती है. बट इज इनएक्टिव अगेंस्ट फंगाई. जो फंगस होती है, जो फंगाई होती है उसके अगेंस्ट है ये इनएक्टिव होती है, उसके अंदर बिल्कुल भी काम नहीं करती है. तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, बिकॉज ये डिक्रीज द बैक्टीरिया एंड इंक्रीज पीएच. ये इंटेस्टाइन के अंदर जाके बैक्टीरिया को डिक्रीज करती है और पीएच को इंक्रीज करती है. बिकॉज क्योंकि ये एल्कालाइन सॉल्यूशन के अंदर ही. क्वेश्चन नंबर 49. अंडर आर्म कास्ट फील वार्मनेस इट्स शो. एक आर्म कास्ट हुई हुई है, इसके अंदर वार्मनेस फील हो रही है, तो ये किसका साइन है. ऑप्शन ए नॉर्मल, ऑप्शन बी इंफेक्शन, ऑप्शन सी पुअर सर्कुलेशन और ऑप्शन डी है टिश्यू डेथ. तो इसके अंदर सबसे पहले तो ध्यान देने वाली ये बात है कि जब आर्म कास्ट हुआ हुआ है तो वो जब जस्ट अभी हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर वार्मनेस फील हो रही है तो वो नॉर्मल कंडीशन है. और आफ्टर 48 आवर्स बाद में, यानी 48 घंटे बाद में यदि वार्मनेस फील हो रही है तो उसको अपन अबनॉर्मल कंडीशन मानेंगे, तो उसको अपन इन्फेक्शन का साइन मानते. बिकॉज जब अभी अभी आर्म कास्ट हुई है तो उस कंडीशन के अंदर जब वेट रहती है कास्ट तो उसके अंदर वार्मनेस फील होना नॉर्मल होता है, और जब 48 आवर्स के बाद में वो ड्राई हो जाती है तो उसके बाद में यदि उसके अंदर वार्मनेस फील हो रही है तो उसको अपन इन्फेक्शन का साइन मानते हैं. तो इसके अंदर रेशनल देखते हैं इसका. व्हेन अप्लाइड द प्लास्टर मे फील वार्म एट फर्स्ट दिस इज नॉर्मल. जब अभी अभी अप्लाई हुआ है उसके अंदर प्लास्टर अप्लाई किया गया है तो उस कंडीशन के अंदर तो वार्मनेस फील होना वहां पे नॉर्मल कंडीशन है. द कास्ट विल फील फ्रीम टू टच इन 10 to 15 minutes. जब अभी अभी अप्लाई किया है तो उसके 10 to 15 minutes बाद देखेंगे तो वहां पे थोड़ा बहुत फ्रीमनेस महसूस होने लग जाएगी. बट इट विल टेक अप टू 48 आवर्स यानी 2 days टू ड्राई ऑल द वे थ्रू. उसको बिल्कुल ड्राई होने में 48 आवर्स का टाइम लगता है. व्हाइल ड्राइंग द कास्ट में फील कोल्ड एंड क्लेमी. उसके बाद में कोल्ड और क्लेमी टाइप की वो फील होने लग जाती है, और जस्ट अभी भी उसके अंदर प्लास्टर अप्लाई हुआ है तो उसको वार्मनेस फील होगी. ये दोनों कंडीशंस नॉर्मल होती है. इट ड्राइज ऑल द वे थ्रू. तो इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए नॉर्मल. मीन्स अभी अभी उसको प्लास्टर हुआ है तो वार्मनेस फील होना नॉर्मल कंडीशन है. तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए. और आफ्टर 48 आवर्स इसके अंदर क्वेश्चन में पूछा जाता तो वो ऑप्शन बी यानी इन्फेक्शन उसका साइन होता. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50. प्राइमरी सिम्टम ऑफ हाइपोपैराथायरॉइडिज्म. हाइपोपैराथायरॉइडिज्म का प्राइमरी सिम्टम क्या होगा. ऑप्शन ए टिटेनी, ऑप्शन बी हाइपरकैल्सीमिया, ऑप्शन सी ब्लीडिंग, ऑप्शन डी नोजिया. अब इसका रेशनल देखते हैं. साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपोपैराथायरॉइडिज्म कैन इंक्लूड. जो सभी साइन एंड सिम्टम है हाइपोपैराथायरॉइडिज्म के उनको अपन डिटेल से देखते. टिंगलिंग और बर्निंग यानी पैरास्थेसिया. जब टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन होगा जो फिंगर टिप्स होगी, टॉयज होगा, लिप्स होगे उनके ऊपर, तो उसको अपन बोलते हैं पैरास्थेसिया. तो इसके अंदर पैरास्थेसिया पाया जाएगा. मसल एसेज होगी और क्रेम्स होंगे लेग के अंदर, फिट के अंदर, एब्डोमन और फेस के अंदर. यानी क्रेम्स पाए जाएंगे लेग, फिट, एब्डोमन और फेस पे. ट्विचिंग और स्पाज्म पाया जाएगा मसल्स के अंदर, पर्टिकुलरली अराउंड योर माउथ बट आल्सो इन हैंड्स, आर्म्स एंड थ्रोट.
यदि पर्टिकुलरली तो जब कौन सी मसल्स के अंदर पाया जाएगा ट्विचिंग ऑफ स्पाज्म, जो माउथ की जो मसल्स होगी इनके अंदर ट्विचिंग ऑफ स्पाज्म पाया जाएगा, बट जो हाथ पैरों की और जो आर्म्स की थ्रोट की जो मसल्स होगी उनके अंदर भी ट्विचिंग और स्पाज्म पाया जाएगा, फेटिग होगा और वीकनेस पाई जाएगी। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, मीन्स हाइपोपैराथायरॉइडिज्म का जो प्राइमरी सिम्टम्स होगा वो टिटेनी होगा क्योंकि इसके अंदर हाइपोकैल्सीमिया पाया जाएगा, और ऑप्शन बी के अंदर हाइपरकैल्सीमिया है तो ये तो अपोजिट है, ये तो होता ही नहीं है, ब्लीडिंग और नोजिया का भी कोई रिलेशन नहीं है, तो इसके अंदर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 51। एच टू ब्लॉकर एक्शन इन बॉडी, एच टू ब्लॉकर होते हैं उनकी अपनी बॉडी में क्या एक्शन होती है? ऑप्शन ए इंक्रीज एच सी एल सिक्रीशन, ऑप्शन बी डिक्रीज द एच सी एल सिक्रीशन, ऑप्शन सी डिक्रीज हीलिंग ऑफ अल्सर, और एक ऑप्शन डी भी था इसमें। अब इसका डिटेल से डिस्कस करते हैं। हिस्टामिन एच टू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कंप्लीटिवली इनहिबिट द एक्शन ऑफ हिस्टामिन एट एच टू रिसेप्टर ऑन द ऑक्सेंटिक सेल, देयर बाय रिड्यूसिंग एसिड सिक्रीशन। दिस ड्रग्स कैन इनहिबिट एसिड सिक्रीशन बाय अप टू 90% एंड प्रमोट हीलिंग ऑफ अल्सर्स। द ड्रग्स यूज्ड आर सिमेटिडिन, रेनेटिडिन, फेमोटिडिन एंड निजेटिडिन। जो एच टू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है ये हिस्टामिन की जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर काम करते हैं, वहां पे जो ऑक्सेंटिक सेल होते हैं वहां पे जाके काम करते हैं और जो एसिड का सिक्रीशंस होता है उनको रिड्यूस करते हैं। ये जो ड्रग्स है वो 90% तक जो एसिड का सिक्रीशन होता है उसको कम कर दिया जाता है या इनहिबिट कर दिया जाता है, जिससे जो हीलिंग होगी अल्सर्स की वो प्रमोट होगी, अच्छी होगी। ये ड्रग्स कौन कौन सी होती है? सिमेटिडिन होती है, रेनेटिडिन होती है, फेमोटिडिन होती है और निजाटिडिन होती है। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, मीन्स ये HCl के सिक्रीशन को 90% तक कम कर देती है, यानी डिक्रीज द HCl सिक्रीशन, जिससे अल्सर्स की हीलिंग होती है वो अच्छे से होती है। और इसके एग्जांपल्स हो गए सिमेटिडिन, रेनेटिडिन, फेमोटिडिन और निजेटिडिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 52। कॉज द सीओपीडी पेशेंट सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया कंडीशन ड्यू टू, जो सीओपीडी का पेशेंट होगा उसके अंदर सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया किस कारण से होगा और वो क्या कंडीशंस कॉज होगी वहां पे? ऑप्शन ए थ्रोम्बोसिस कंडीशन, ऑप्शन बी ब्लीडिंग, ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और ऑप्शन डी होती है न्यूट्रोपेनिया। अब इसके अंदर डिटेल से डिस्कस करते हैं। सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया मोस्ट ऑफ्टन डेवलप एज ए रेस्पॉन्स टू क्रोनिक हाइपोक्सेमिया विच ट्रिगर्स इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोपोएटिन बाई किडनीज। मीन्स इसके अंदर क्या होता है, जब भी सीओपीडी का पेशेंट होता है तो उस कंडीशन के अंदर हाइपोक्सिया हो जाएगा उसको या हाइपोक्सेमिया होगा, यानी क्रोनिक हाइपोक्सेमिया की कंडीशन के अंदर किडनी से एक्स्ट्रा इरिथ्रोपोएटिन का प्रोडक्शन होगा और उससे सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया कॉज होगा। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया इंक्लूड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ओबेसिटी, हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी सीओपीडी। जब सीओपीडी का पेशेंट होगा, ओबेसिटी होगी या हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम होगा तो उस कंडीशंस के अंदर क्या होगा, ये सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया उसके अंदर कॉज होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, यानी थ्रोम्बोसिस कंडीशंस उसके अंदर डेवलप होगी, क्योंकि जब सीओपीडी के पेशेंट के अंदर पॉलीसाइथेमिया ज्यादा होगा, जब आरबीसी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इरिथ्रोपोएटिन का हो रहा है किडनी से और उससे आरबीसी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और आरबीसी का प्रोडक्शन ज्यादा होने से उसके अंदर थ्रोम्बोसिस कंडीशंस डेवलप हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। पेशेंट ऑन वारफेरिन थेरेपी देन नर्सिंग इंटरवेंशन अकॉर्डिंग फॉलोइंग ऑप्शन। एक पेशेंट है जिसको वारफेरिन चल रही है तो वहां पे नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? ऑप्शन ए गिव एस्पिरिन, ऑप्शन बी इंक्रीज विटामिन के डाइट, ऑप्शन सी डिक्रीज विटामिन के डाइट। एक पेशेंट है जिसको वारफेरिन थेरेपी चल रही है तो वहां पे नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी, जब उसको एस्पिरिन देंगे या फिर विटामिन के वाले डाइट देंगे या फिर डिक्रीज करेंगे विटामिन के की डाइट को? अब इसका रेशनल देखते हैं। सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंटरेक्शन अकर बिटवीन ब्लड थिनर वारफेरिन एंड फूड हाई इन विटामिन के। जब किसी पेशेंट को वारफेरिन चल रही होती है और उस कंडीशंस के अंदर अपन हाई विटामिन के वाले डाइट उसको देंगे तो उसके बीच में काफी इंटरेक्शन होंगे जो अपने ब्लड को थिन करने के लिए अपन वारफेरिन दे रहे होते, बट ब्लड का क्लोट फॉर्मेशन भी हो सकता है वहां पे। जो विटामिन के वाले डाइट्स वाले फूड कौन कौन से होते हैं, वो फूड्स होते हैं एस्पारागस, ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर, ग्रीन ओनियन, केले और पार्सले, स्पिन। ये सभी फूड्स होते हैं वो हाई विटामिन के वाले होते हैं, तो इस फूड्स को क्या करना होता है, अपने को अवॉइड करना होता है या डिक्रीज करना होता है,
बिकॉज क्योंकि जब वो वारफेरिन का जो इफेक्ट होगा, ब्लड को थिनिंग करने का प्रोसेस होगा, उसको वापस चेंज कर देगा, यानी उसके एंटागोनिस्ट काम करने लग जाएगा ये, क्योंकि विटामिन के वारफेरिन का एंटीडोट होता है। तो विटामिन के वाली डाइट्स होगी वो अवॉइड करनी होगी या फिर डिक्रीज करनी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, डाइसल्फ्यूराम विद एल्कोहल यूज देन सिम्टम्स। जब एल्कोहल ले रहा होता है कोई पेशेंट, तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है डाइसल्फ्यूराम। बट यदि डाइसल्फ्यूराम किसी पेशेंट को चल रही होती है और उस कंडीशन के अंदर भी एल्कोहल लेता है, तो वहां पे एक रिएक्शन होती है, और उस रिएक्शन से क्या सिम्टम्स होंगे? ऑप्शन ए ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन सी ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी हाइपोटेंशन, और ऑप्शन डी होता है ब्रेडिपिनिया। अब इसका डिटेल से डिस्कस करते हैं, इसका रेशनल देखते हैं। डाइसल्फ्यूराम इरिवर्सिबली इनहिबिट एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। जब कोई पेशेंट एल्कोहल ले रहा होता है तो उस कंडीशन के अंदर डाइसल्फ्यूराम उसको देंगे तो वो क्या करेगी, जब बॉडी के अंदर एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज बन रहा होता है उसको इनहिबिट करती है ये बाय कंपीटिंग विद निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसको अपन एनएडी बोलते हैं, एट द सिस्टीन रेसिड्यू इन एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। एट थेरापेटिक डोज ऑफ डाइसल्फ्यूराम एल्कोहल कंजप्शन रिजल्ट इन इंक्रीज्ड सीरम एसिटेला एल्डिहाइड। जब थेरापेटिक डोज एक डाइसल्फ्यूराम की बॉडी के अंदर अपन देंगे तो उस कंडीशन के अंदर एल्कोहल कंजप्शन करेंगे तो वहां पे इंक्रीज हो जाएगा सीरम एसिटा एल्डिहाइड, यानी यहाँ पे एसिटाइल एल्डिहाइड बनने लग जाएगा जब अपन एल्कोहल लेंगे विद डाइसल्फ्यूराम। डाइसल्फ्यूराम भी चल रही है और एल्कोहल भी लेंगे तो वहां पे एक रिएक्शन होगा, और वो रिएक्शन क्यों होगा, जब सीरम एसिटेला एल्डिहाइड वहां पे बनने लग जाएगा, जिससे अपनी बॉडी के अंदर क्या सिम्टम्स कॉज करेंगे, डायफोरेसिस, पाल्पिटेशन, फेशियल फ्लूसिंग, नोजिया, वर्टाइगो, हाइपोटेंशन और टेकिकार्डिया, ये सारे सिम्टम्स होंगे वो वहां पे बॉडी के अंदर शो होंगे। दिस एग्रीगेशन ऑफ सिम्टम इज नोन एज डाइसल्फ्यूराम एल्कोहल रिएक्शन। जो ये सिम्टम्स होंगे, जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है, इन सभी को अपन डाइसल्फ्यूराम एल्कोहल रिएक्शन का नाम देते हैं। और डिस्कोरेज एल्कोहल इंटेक, जो डिस्कोरेज करता है एल्कोहल के इंटेक को, वहां पे एल्कोहल इंटेक को रोकना होता है। द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू बोथ द डोज ऑफ डाइसल्फ्यूराम एंड एल्कोहल। ये रिएक्शन डाइसल्फ्यूराम और एल्कोहल को एक साथ लेने से ही होती है। डाइसल्फ्यूराम इज नॉट एन एंटी क्रेविंग ड्रग। डाइसल्फ्यूराम एक एंटी क्रेविंग ड्रग नहीं है एंड डज नॉट मॉड्यूल द न्यूरोबायोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ एडिक्शन। और एडिक्शन के अंदर न्यूरोबायोलॉजिकल मैकेनिज्म होती है, उसको मॉड्यूलेट भी नहीं करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। मिस डाइसल्फ्यूराम विद एल्कोहल लेने से कौन से सिम्टम्स शो होंगे, हाइपोटेंशन शो होगा, और हाइपोटेंशन होता नहीं है, ब्रेडिकार्डिया भी नहीं होता, हाइपोटेंशन के साथ टेकिकार्डिया शो होता है, और ब्रेडिपिनिया भी इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। साथ में नोजिया, वर्टिगो, फेशियल फ्लूसिंग और पैल्पिटेशन और डायफोरेसिस, ये सभी देखने को मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 55, एज रिलेटेड ईयर प्रॉब्लम। एज रिलेटेड ईयर की प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होगी? ऑप्शन ए मेनराइट डिजीज, ऑप्शन बी टिनिटस, ऑप्शन सी प्रेसबाइकोसिस, ऑप्शन डी है ओटाइटिस मीडिया। अब इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। प्रेसबाइकोसिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कॉज्ड बाय द नेचुरल एजिंग ऑफ ऑडिटरी सिस्टम। प्रेसबाइकोसिस एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, इसके अंदर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है, और क्यों होता है, कॉज्ड बाय नेचुरल एजिंग ऑफ ऑडिटरी सिस्टम। ऑडिटरी सिस्टम के अंदर नेचुरल एजिंग हो जाती है, कुछ सेल्स होती है जो एजिंग हो जाती है, जिसके कारण से क्या होगा, हियरिंग लॉस होगा, जिससे कौन सा हियरिंग लॉस होगा, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा। इट अकर्स ग्रेजुअली, ये धीरे 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 अकर होता है, स्टार्ट होता है, एंड इनिशियली अफेक्ट द एबिलिटी टू हियर हायर पिच्ड यानी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। और उसके अंदर ऐसी एबिलिटीज अफेक्ट हो जाती है जिसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड अपने की सुनने की जो एबिलिटी होती है वो वहां पे अफेक्ट हो जाती है धीरे धीरे। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। बिकॉज प्रेसबाइकोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर है और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस डिसऑर्डर है जो एज के साथ में ईयर के अंदर देखने को मिलता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 56, टू ईयर चाइल्ड इन इंस्टिल ईयर ड्रॉप देन यूज टेक्निक। ये मोस्ट कॉमनली काफी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, एक दो साल का बच्चा है उसके अंदर अपने को आई ड्रॉप इंस्टिल करनी है तो कौन सी टेक्निक वहां यूज करेंगे। ऑप्शन ए डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड द पीना, ऑप्शन बी डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड द पीना, ऑप्शन सी अपवर्ड एंड बैकवर्ड द पीना, ऑप्शन डी अपवर्ड एंड फॉरवर्ड द पीना। तो इसके अंदर डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले द ड्रॉपर या नोजल, जो उसके अंदर अपने वो ड्रॉप डालनी होती है, जो नोजल होती है अबोव योर चाइल्ड्स ईयर केनाल, उसको अपने को ईयर केनाल के जस्ट अबोव रखनी होती है। फॉर चिल्ड्रन अंडर एज 3, जब 3 साल के अंडर बच्चे होते हैं, जो 3 साल से कम एज के होते हैं, तो उनमें जेंटली पुल द आउटर फ्लैप ऑफ अफेक्टेड ईयर,
जो आउटर फ्लैप ऑफ अफेक्टेड ईयर कौन सा होता है, आउटर फ्लैप को अपन पिना भी बोल सकते हैं, तो उसको जेंटली पुल यानी उसको पुलिंग करते हैं डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, यानी नीचे करके पीछे की साइड में, डाउनवर्ड करके फिर बैकवर्ड करते हैं टू स्ट्रेट द ईयर केनाल। और ये सब क्यों करते हैं, जब ईयर केनाल को स्ट्रेट करने के लिए जो ईयर ड्रॉप जो ड्रॉपर अपने वो डालनी होती है उसके अंदर, तो ईयर केनाल के अंदर उसको डालने के लिए उसकी जो ईयर केनाल होती है उसको स्ट्रेट किया जाता है। और वो स्ट्रेट कैसे होती है, डाउनवर्ड और बैकवर्ड पुलिंग करने से, ईयर पेना को जब डाउनवर्ड और बैकवर्ड पुलिंग करते हैं तब। और जब अबोव एज 3 ईयर होता है जो एडल्ट होता है उनके अंदर अपवर्ड और बैकवर्ड करते हैं ईयर पेना को, जिससे स्ट्रेट हो जाती है ईयर केनाल। तो इसके करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, मीन्स डाउनवर्ड और बैकवर्ड द पिना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। आफ्टर फ्रैक्चर ऑफ लेग एंड अप्लाई प्लास्टर कास्ट, हाउ टू चेक सर्कुलेशन इन टो। एक फ्रैक्चर हुआ है लेग के अंदर और उसको प्लास्टर कास्ट अप्लाई हुआ है, तो उसके बाद सर्कुलेशन को टो के अंदर कैसे चेक करेंगे, इसका रेशनल देखते हैं, डिटेल से डिस्कस करते हैं। असेसमेंट ऑफ न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस इन मॉनिटरिंग दे। जब किसी पेशेंट के अंदर फ्रैक्चर हुआ है लेग के अंदर और उसको प्लास्टर कास्ट हुआ है, तो उस कंडीशंस के अंदर टोज की सर्कुलेशन कैसे चेक करते हैं, जब न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस की मॉनिटरिंग करने के लिए 5 P's, जिसको अपन 5 P's याद कर सकते हैं, पेन, पेलर, पल्स, पैरास्थेसिया एंड पैरालिसिस, इन सभी 5 P के जो साइन है इनसे न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस वहां पे चेक करते हैं। ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम इज प्रेजेंटेड टू एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट। न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट चेक करना क्यों जरूरी है, क्योंकि वहां पे कंपार्टमेंट सिंड्रोम है वो हो सकता है, वहां पे वो एम्फसाइज हो। क्वेश्चन नंबर 58। आफ्टर MI अटैक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। MI के अटैक के बाद अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या देंगे, इसका रेशनल देखते पहले तो सबसे पहले देखते हैं MI क्या होता है, मींस मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्या होता है। रेफर्स टू टिश्यू डेथ, जिसको अपन इंफार्क्शन बोलते हैं, टिश्यू की डेथ हो जाती है कहां पे, जो हार्ट की जो मसल्स होती है मायोकार्डियम होती है उसके अंदर जो टिश्यूज होते हैं उनके अंदर डेथ हो जाती है। इट इज ए टाइप ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, ये एक प्रकार का एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, विच डिस्क्राइब ए सडन और शॉर्ट टर्म चेंजेज इन सिम्टम्स रिलेटेड टू ब्लड फ्लो टू द हार्ट। इसके अंदर एक तरह से शॉर्ट टर्म के अंदर सिम्टम्स शो होते जो क्यों होते, जो ब्लड का जो फ्लो होता है हार्ट को, मायोकार्डियम लेयर को जो ब्लड जा रहा होता है उसके अंदर फ्लो के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाता है, वहां पे सडन शॉर्ट टर्म चेंजेस देखने को मिलता है जिसके कारण से वहां पे कुछ सिम्टम्स शो होते हैं, जिसको अपन एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम भी बोलते हैं। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का ही टाइप है मायोकार्डियल इंफार्क्शन। सबसे पहले देखते हैं एक पेशेंट विद लार्ज एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन। एक पेशेंट है जिसको एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन है और लार्ज साइज के अंदर है, मे बी कंकरेंटली ट्रीटेड विद एस्पिरिन, तो उसको अपन सबसे पहले एस्पिरिन देंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेज देंगे, हिपेरिन देंगे और एसी इनहिबिटर देंगे। फिर सेकेंडली स्ट्रेप्टोकाइनेज इज परफेरेट टू टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है, एक टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, हैज ए ग्रेटर इफेक्ट ऑन कार्डियोवेस्कुलर मोर्टालिटी। कार्डियोवेस्कुलर मोर्टालिटी पे ये ग्रेटर इफेक्ट करता है। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन MI इज पेनफुल कंडीशन विथ टाइटनेस, प्रेशर और स्क्वीजिंग पेन इन चेस्ट फॉर अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ पेशेंट हु एक्सपीरियंस इट। जो MI के पेशेंट होते उनके अंदर 75% केसेस होते हैं उनके अंदर सीवियर पेन होता है, जिसके अंदर टाइटनेस, प्रेशर और स्क्वीजिंग टाइप का पेन होता है। द पेन ऑफ्टन रेडिएट टू आर्म्स, जो पेन होता है MI का वो रेडिएट होता है आर्म्स के अंदर, जो और बैक साइड के अंदर। नाइट्रेट ब्रिंग रिलीफ टू मेनी पेशेंट्स बट अप टू 1/3 ऑफ दोज हु एक्सपीरियंस MI हैव नाइट्रेट रेसिस्टेंट चेस्ट पेन एंड रिसीव मॉर्फिन इंस्टेड। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो 1/2 केसेस यानी 1/3 केसेस होते हैं जो तो मोरफिन से रेसिस्ट होते हैं, जो नाइट्रेट से रेसिस्ट होते हैं सॉरी, और उनको तो मोरफिन देनी पड़ती है। बट जो 2/3% केसेस होते हैं, जिसको अपन सीधा सीधा बोल सकते हैं 66% केसेस, जो 66% केसेस होते हैं जिनके अंदर तो नाइट्रेट दे देते हैं तो वहां से वो पेन होता है वो रिलीव हो जाता है। बट जो 33% केसेस होते हैं उनके अंदर जो नाइट्रेट रेसिस्टेंट होते हैं इसलिए उनका चेस्ट पेन रिलीव नहीं होता है, तो उनको मोरफिन देनी पड़ती है, तो उनको मोरफिन देके उसके बाद में पेन रिलीव कराया जाता है। तो इसके लिए मोरफिन ही ऑप्शन के अंदर था, ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। किडनी स्टोन इन फाइंडिंग। किडनी स्टोन के अंदर यूरिन की किस तरह की फाइंडिंग्स पाई जाएगी। ऑप्शन ए डार्क ब्राउनिश कलर यूरिन, ऑप्शन बी पाल येलो कलर यूरिन, ऑप्शन सी कोला कलर यूरिन, ऑप्शन डी मिल्की कलर यूरिन।
यानी किडनी स्टोन जिस पेशेंट्स को होंगे तो उसके अंदर यूरिन का कलर कौन सा होगा, ये इनमें से कौन सी फाइंडिंग्स उसके अंदर देखने को मिलेगी। तो इसका रेशनल देखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर है डार्क ब्राउनिश कलर यूरिन। तो डार्क ब्राउनिश कलर यूरिन होता है ये किडनी स्टोन और यूटीआई के अंदर देखने को मिलता है, और साथ में बैक पेन होता है, इंटेंस टाइप का बैक पेन भी देखने को मिलता है। ऑप्शन बी है पाल येलो कलर यूरिन, ये नॉर्मल कलर होता है यूरिन का। जब यूरिन कलर जनरली रेंज फ्रॉम पाल येलो कलर टू डीप अम्बर, पाल येलो कलर से डीप अम्बर कलर का यूरिन इसके अंदर नॉर्मली देखने को मिलता है। द कलरिंग इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय पिगमेंट यूरोक्रोम। जो नॉर्मली पाल येलो कलर का यूरिन होता है ये किस कारण से होता है, जो पिगमेंट्स होते हैं यूरोक्रोम के उन पिगमेंट्स के कारण से ऐसा कलर पाया जाता है। और जो पिगमेंट्स होते हैं यूरोक्रोम के इनको अपन यूरोबिलिन भी बोलते हैं, तो यूरोबिलिन के कारण से पाल येलो कलर का यूरिन पाया जाता है। द मोर वाटर यू ड्रिंक एंड मोर हाइड्रेटेड यू बिकम द लाइटर द पिगमेंट इन यूरिन। जब आप मोर हाइड्रेटेड हो जाते हो, जब ज्यादा पानी पीते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर वाटर ज्यादा होने के कारण से वाटर रिटेंशन से जो पिगमेंट्स होते हैं यूरोक्रोम के वो यूरिन के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जो थर्ड ऑप्शन है सी, वो होता है कोला कलर यूरिन। जो कोला कलर यूरिन कहाँ देखने को मिलता है, कोला कलर यूरिन को अपन कोली यूरिया भी बोलते हैं, मीन्स कोल्ड यूरिया इज प्रेजेंस ऑफ बाइल इन यूरिन। अपने बॉडी के अंदर जब बाइल का प्रोडक्शन ज्यादा होने लग जाता है तो यूरिन के अंदर ज्यादा आते हैं, तो उसको अपन कोला कलर यूरिन भी पाया जाता है। जो कोल यूरिया है इज कॉमन सिम्टम ऑफ लीवर डिजीज। जब लीवर डिजीज होती है तो वहां पे बाइल का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, और उस कंडीशन के अंदर कोल यूरिन देखने को मिलता है या कोल यूरिया देखने को मिलता है, सच एज हेपेटाइटिस एंड सिरोसिस। लीवर की कोई भी प्रॉब्लम हो, लीवर सिरोसिस हो, हेपेटाइटिस हो, उस कंडीशन के अंदर कोला कलर यूरिन देखने को मिलेगा। ऑप्शन डी है मिल्की कलर यूरिन। मिल्की कलर यूरिन मे आल्सो बी कॉज्ड बाई बैक्टीरिया, क्रिस्टल्स, फैट, व्हाइट और रेड ब्लड सेल्स और म्यूकस इन यूरिन। जब यूरिन के अंदर बैक्टीरिया देखने को मिले, यानी बैक्टीरिया हो, क्रिस्टल्स हो, WBC या RBC की संख्या बढ़ गई हो, या फिर म्यूकस वहां पे यूरिन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशंस के अंदर यूरिन का जो कलर होगा वो मिल्की कलर का दिखाई देगा। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, यानी डायरेक्ट ब्राउनिश कलर यूरिन जब किडनी स्टोन होगा तो उस कंडीशन के अंदर देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16, क्रोन्स डिजीज इन रिमूवल ऑफ इंटेस्टाइनल पार्ट। जब क्रोन्स डिजीज होगा तो उस कंडीशन के अंदर इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट रिमूव करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर जब क्रोन्स डिजीज होती है तो वहां पे इंटेस्टाइन का पार्ट रिमूव किया जाता है, बट कौन से वाला पार्ट रिमूव किया जाता है, तो इसका सबसे पहले डिटेल से डिस्कस करते हैं, रेशनल देखते हैं इसका। सबसे पहले देखते हैं क्रोन्स डिजीज होती क्या है। क्रोन्स डिजीज एक तरह से इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज होती है, जिसको अपन IBD भी बोलते हैं। ये अफेक्ट करती है सेगमेंट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जो GIT ट्रैक का जो सेगमेंट होता है उसको अफेक्ट करती है माउथ से एनस तक का, मींस कंप्लीट GIT को ही अफेक्ट करती है। सिम्टम ऑफ्टन इंक्लूड एब्डोमिनल पेन, डायरिया विच मे बी ब्लीडिंग इफ इन्फ्लामेशन इज सीवियर। वैसे डायरिया नॉर्मली भी देखने को मिल सकता है, और जब इन्फ्लामेशन सीवियर हो तो उस कंडीशन के अंदर ब्लीडी डायरिया भी देखने को मिल सकता है। फीवर, वेट लॉस, ये सभी सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं। इसका सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, जब इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट रिमूव करेंगे, क्योंकि सर्जिकल मैनेजमेंट क्रोन्स डिजीज का जिस एरिया के अंदर या जिस पार्ट के अंदर क्रोन्स डिजीज कुछ कॉज कर रही है उस एरिया को रिमूव कर दिया जाता है। तो सम पीपल हैव सीवियर क्रोन्स डिजीज दैट अफेक्ट द कोलोन एंड रेक्टम। जब कुछ लोग होते हैं जिनको सीवियर क्रोन्स डिजीज होती है तो वहां पे मैक्सिममली कोलोन और रेक्टम वाला जो पार्ट होता है वो अफेक्ट होता है। तो सर्जरी में भी नीडेड टू रिमूव द एंटायर कोलोन। जब सर्जरी करते हैं तो वहां पे जरूरी होता है कि जिस एरिया में अफेक्ट हुआ है तो उस कोलोन को निकालना होता है, जिसको अपन कोलेक्टोमी बोलते हैं। द कोलोन एंड रेक्टम, जब कोलोन और रेक्टम दोनों एक साथ निकालते हैं तो उनको अपन प्रोक्टोकोलेक्टोमी बोलते हैं, और पोर्शन ऑफ कोलोन रिसेक्शन, और जिसके अंदर पोर्शन ऑफ जो कोलोन होता है उसको रिसेक्ट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो भी हमारी नई वीडियोज होगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन के अंदर जाके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और कुछ आपके जो भी रिव्यूज हो वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। ओके फ्रेंड्स, हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9413722120। इन नंबर पे आप व्हाट्सएप ग्रुप में एड होने के लिए मैसेज कर सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आपको चाहिए तो इसके लिए आप PDF पार्ट 3 लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको पार्ट 3 की जो इस वीडियो की PDF है वो रिसीव हो जाएगी। और हमारा फेसबुक पेज है जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी, इसको फेसबुक पे जाके लाइक करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू
ऐसे ही मिलते रहेंगे, नई नई वीडियोस लेके आते रहेंगे। बाय फॉर नाउ एंड सी यू लेटर, बाय बाय।